खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले शुरुआत निशांत मैं आपसे करना चाहूंगी और इसलिए करना चाहूंगी कि सुबह से हर कोई इस फैसले का वेलकम कर रहा है, इस फैसले को खुशामदीद कह रहा है, लेकिन निशांत वर्मा क्या मानते हैं? खैर, हर कोई तो नहीं कर रहा है, मैं भी उनमें से एक हूं। क्योंकि पहली बात तो ये है कि अभी मैं हाल में हरीश साल्वे जी का वक्तव्य पढ़ रहा था, जो कि फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल हैं, उनका कहना बहुत क्लियर है, आर्टिकल 370 हटा नहीं है, उसके कुछ नंबर 2 और नंबर 3 अंदर के पार्ट जरूर हटाने की बात हुई है, लेकिन आर्टिकल 370 बरकरार है, पहली चीज। इसलिए जो खुशी मनाने वाली बात है, अब मैं उस पे आता हूं। मैं जानता हूं कि बहुत सारे कश्मीरियों को इस समय इतनी बेहद खुशी होगी कि हमें घर जाने को मिलेगा, और ये नेहरू जी ने शायद जो गलत किया था वो शायद मोदी जी ने सुधार दिया। हाथ जोड़ के मैं बहुत साफ शब्दों में कहूंगा, यही बात राम मंदिर को लेकर के पिछले इतने सालों से हम सुनते आए। मैं एक बात बहुत क्लियर कर दूं, निशांत वर्मा, मैं एक बात बहुत क्लियर कर दूं, ये मेरा वक्तव्य है, मुझे एक लाइन और मुझे एक लाइन में क्लियर कर देनी चाहिए। एक सेकंड, मेरी बात सुनिए। अब जब आर्टिकल 370 नहीं, आप कह रहे हैं कि वो हटाई नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, हरीश साल्वे कह रहे हैं ना सर, हरीश साल्वे क्या, सारे पत्रकार यही कह रहे हैं, पत्रकार नहीं है, खुद अमित शाह ने यही बात की है, फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल है सर, फॉर्मर सॉलिसिटर के देश के गृह मंत्री को भी तो सुन लीजिए और कान खोलकर सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 के पहले खंड को छोड़कर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद तो बाकी कोई भी खंड बात नहीं रहेगा। मनाई जा रही है ये पहले खंड के बाद की जो खंड है, सुधांशु त्रिवेदी क्या है, आपने जो कोशिश करी है इससे क्या कश्मीर घाटी नॉर्मल हो जाएगी? ओके सुधांशु, सुधांशु जी, मेरे पास हब्बा कदल में 300 मीटर जगह आई है, दिवाली के साथ मुफ्त खरीदेंगे, क्या मतलब है, आप जवाब दीजिए। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि आज स्वतंत्र भारत के इतिहास का यह बहुत अभूतपूर्व क्षण है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा भाई, ये काम तो कांग्रेस के जमाने में शुरू हुआ था, एकीकरण का, पहले जब 2 झंडे समाप्त किए गए थे, प्रधानमंत्री का पद समाप्त किया गया, उसके बाद 70 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय और चुनाव आयोग के अंदर में आया, तो आज हमने उस कार्य को पूर्ण कर दिया है, आपको तो स्वागत करना चाहिए। और मैं निशांत वर्मा जी को बता देना चाहता हूं, आप राष्ट्रपति की आज्ञा से संविधान सभा विधानसभा में बदल गई है। अरे आप नहीं बदल सकते, किस कानून के तहत आप बताइए, संविधान सभा समस्त संविधान सभा विधायी अंग्रेजी कानून के हिसाब से, जिस कानून के आप बताइए आर्टिकल कौन सा है जिसमें आप ब्रिटिश लॉ लागू कर रहे, संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट। अरे मैं बता रहा हूँ निशांत वर्मा जी, अपने अपने टर्म पे बोलिए, बेहतर रहेगा, बताइए। इसका जवाब अमित शाह जी स्पष्ट रूप से दे चुके हैं, 26 अक्टूबर 1947 जिस समय भारत में एक्सेशन डॉक्यूमेंट साइन हुआ। निशान जी आपको चुनौती देता हूं, एक लाइन उसमें बताइए जो विशेष। अरे आप मुझे ये बताइए, पूरा एक्सेशन एक्ट मुझे पता है, पूरा एक्सेशन एक्ट मुझे पता है, और कितने राजाओं ने नहीं साइन किया और क्या हुआ, और मैं जवाब देता हूं। आज राष्ट्रपति का आदेश समाप्त हो गया 1957 फरवरी का, मेरी बात है, संविधान सभा स्वागत करना चाहिए था, असेंबली ने अपने आप को डिसॉल्व किया बिना नागालैंड और बिना कश्मीर को सॉल्व किए। आप बताइए, बताइए निशांत वर्मा जी, डॉक्टर अंबेडकर ने धारा 370 का समर्थन किया था कि विरोध किया था, बोलिए निशांत वर्मा जी, डॉक्टर अंबेडकर ने धारा 370 का समर्थन किया था, निशांत और सुधांशु जी, निशांत और सुधांशु जी, चीखने से नहीं होगा ना, चीखने से नहीं होगा, मेरी बात सुनिए, आज के दिन इस ढंग की बहस करेंगे तो बहस कैसे होगी, मैं आपको आईना दिखा रहा हूं, सर सुनिए, निशांत प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, सर कंट्रोल योरसेल्फ, एक सेकंड, आप तो ऐसे यहाँ पर चीख रहे हैं जैसे पाकिस्तान में इस वक्त लोग चीख रहे होंगे, डोंट डू दिस निशांत, आप गलत, मैं गलत नहीं कह रही हूँ, आधा हिंदुस्तान चीख रहा है, अरे आधा हिंदुस्तान कहाँ से चीख रहा है, कैसी बातें कर रहे हैं आप, पैनल में भी आधे लोग सरकार के खिलाफ है, अरे तो आधे हुए कि नहीं हुए? ओके सुन लीजिए, आधे, आप अपने आप को आधा मान रहे हैं तो बहुत बढ़िया, आपके आपके आधे अधूरे बचे विपक्षी भी अब साथ नहीं रहे, रुक जाइए निशांत प्लीज, आप देख रहे हैं ना कि मेरे बाकी 4 मेहमान भी बचे हुए हैं, एक सेकंड, पहले उनको अपनी बात रखने दीजिए, और सुधांशु जी कुछ अगर क्लैरिफाई कर रहे हैं, आपने बड़ा सवाल पूछा,
इंपॉर्टेंट सवाल था, उस सवाल का जवाब देने दीजिए ना दोनों। अब जब दोनों आपस में लड़ेंगे तो वो बात किसी को समझ नहीं आ पाएगी। शहजाद अब अपनी बात रखिए, उसके बाद मैं ईश्करण के पास जाऊंगी, नेत्री और राहुल चक्रवर्ती। कोई कोई किसी को टोकेगा नहीं, प्लीज। बड़ा दिन है, बड़ी खबर है। रूबिका जी, मैं अपनी बात कह नहीं पाया। एक बार सुधांशु जी को पहले मौका देना चाहता हूँ, क्योंकि उनके साथ बड़ा अन्याय हुआ है। निशांत जी ने बार बार टोका है, तो सुधांशु जी आप मेरा भी कुछ वक्त ले सकते हैं, उसके बाद मैं 30 सेकंड बोलूंगा। प्लीज आप अपनी बात। सुधांशु जी, नहीं, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं सिर्फ 2-3 वाक्य बोलता हूँ। नंबर 1, 26 अक्टूबर 1947 को जब संविलियन के पक्ष पर हस्ताक्षर किया एक्सेशन डॉक्यूमेंट पे, उसमें कोई भी विशेष प्रावधान नहीं था, या बाद में जोड़ा गया 49 में, उसके बाद 54 में राष्ट्रपति के आदेश से। आज गृहमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 373 में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि राष्ट्रपति जब चाहे तो वह संसद की अनुशंसा से इस चीज के को समाप्त कर सकते थे, उन्होंने कर दिया। इसीलिए आज सदन में सभी नेताओं ने राजनीतिक वक्तव्य दिए हैं, गुलाम नबी आजाद जी से लेकर नेता संवैधानिक पक्ष पर किसी ने प्रश्न नहीं उठाया है। और जिस ढंग से प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन यानी राष्ट्रपति की राजाज्ञा से 1954 में यह जारी हुआ था, राष्ट्रपति के आदेश से समाप्त हुआ है, तो पूरी तरह संवैधानिक बात हुई है। इसलिए मैं कहता हूं कि एक ऐतिहासिक प्रक्रिया थी जो 50-60 साल से चल रही थी, हमने उसे निर्णायक परिणति तक पहुंचाया। पुनावाला, सिर्फ 30 सेकंड लूंगा, कोई हस्तक्षेप ना करे। आज जो कदम उठाया गया है वो लाल चौक और लाल किले के बीच के फासले को कम करने के लिए सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। आज तक ये कदम नहीं उठाया गया। आज मुझे लगता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को शांति मिलेगी, क्योंकि हमारा देश सच में एक विधान, एक निशान और एक प्रधान की ओर चल पड़ा है। और एक प्रधान बनाने की प्रक्रिया कांग्रेस ने शुरू की थी, पर आज वो कांग्रेस किस राह पे खड़ी है? टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े रहकर, अर्बन नक्सलियों के साथ खड़े रहकर आज वो पोजीशन ले रही है जो कुछ चंद घाटी के नेता लेते हैं, जो जनाजे नमाज में जाते हैं, नमाजे जनाजा में जाते हैं आतंकवादियों के। आज कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को इस तरीके से मार्जिन पर ले आने का काम किया कि उनके चीफ व्हिप भुवनेश्वर कलीता ने भी रेजिग्नेशन दे दिया, ये कहते हुए कि मैं अपनी पार्टी के स्टैंड से इत्तेफाक नहीं रखता। आज मैं सिर्फ ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या जो इफेक्ट होंगे इसके, 35 से आज हट गया है, इससे आज जो महिलाओं को वहां पे अधिकार मिलेगा, आज जो 370 जो एक तरीके से हटा नहीं है पर 370 इनऑपरेटिव हो चुका है, जो कि उसका पावर 370 के भीतर ही था, आज हमारे देश में एक ही प्रधान होगा, एक ही निशान होगा, आज एक ही सिटीजनशिप होगी, आज हमारे जो भी कानून यहाँ पे है वहाँ पे लागू होंगे, इंडियन पीनल कोड वहाँ पे लागू होगा, वहाँ की जो असेंबली होगी उसका 5 साल का टेन्योर होगा। मुझे एक लॉजिकल रीज़न बता दो कि एक मुख्य धारा की पार्टी वो स्टैंड नहीं लेना चाहती है जो BSP ले रही है, जो ADMK ले रही है, जो आम आदमी पार्टी ले रही है। एक राष्ट्रीय पार्टी को क्या इस स्टैंड पे नहीं होना चाहिए? राहुल चक्रवर्ती, ऐसा क्या है जो आप लोग सरकार के साथ खड़ा नहीं हो रहे हैं, इस देश के साथ खड़ा नहीं हो रहे हैं? देखिए, एक बात मैं आपको सीधा कह रही हूं रूबिका जी, पहला बात तो ये है, जो ये जो 370 धारा की इलोप हो रहा है, इसको जो हटाया जा रहा है या हटाया गया है, जो भी हो, आज जितना प्रिंसलेस स्टेट था, आप हिंदुस्तान में देखिएगा, ये जो कश्मीर को जो भारत में लिया गया, ये प्रोसेस में तो सवाल उठ जाएगा, ऐसे हटाने से उसमें बहुत सारे डिबेट होना चाहिए। अगर सरकार ने यह कहता है कि इसमें शांति आएगा, वाकई में इसमें शांति आएगा? अगर फौजी का फौजी से क्या उस पर कोई सॉल्यूशन हो सकता है? शांति आ सकता है? हम लोग अगर पीस चाहते हैं, मगर इस तरीका से पीस क्या आ सकते, इसमें बहुत सारे डिबेट होना चाहिए था, इसमें सबसे सहमत लेना चाहिए था, सबको एक साथ लेके कॉन्फ्रेंस में आना चाहिए था। बात अगर ये है, मैं अचानक जितने प्रिंसलेस स्टेट था आज तक देखिएगा, हैदराबाद को भी लिया गया था, मैं उसको अंग्रेजों के साथ जोड़ दिया गया था, आज ये स्टेट का मर्यादा नहीं रहा। तो बात ये है, जो 370 अगर हम उसको हटा दें, इसमें क्या सॉल्यूशन सॉल्व होगा? अगर इसको हम इंडियन टेरिटरी कर दें, इसमें वाकई में सॉल्यूशन होगा? पॉलिटिकली बेनिफिट हो सकता है भाजपा का, पॉलिटिकली मिसाइल गेन हो सकता है क्या, मगर इसमें वाकई में गेन होगा या नहीं? मैं ये पूछना चाहते हैं, इसमें वाकई में गेन क्या है? मैं ईश्करण भंडारी, आप जवाब दे उससे पहले, बस ये राहुल चक्रवर्ती एक चीज ऐड कर देना चाहती हूँ, दीदी नहीं, मुझे किसी से कभी कोई सलाह मशवरा करती हैं? मुझे वो तो पश्चिम बंगाल को भी कश्मीर बनाने की कोशिश में लगी हुई है। सुनिए, सुनिए, वो तो पश्चिम बंगाल को भी कश्मीर की तर्ज पर ले जाने की कोशिश कर रही थी। कश्मीर हम लोग का पर्सनल पार्ट एंड पार्सल है, अगर है अभिन्न अंग, इसमें रूबिका जी कश्मीर लोगों को क्या असर पड़ेगा?
इसको कॉन्फ्रेंस में लेना पड़ेगा, इसमें टेररिज्म बढ़ेगा या घटेगा। मुंह में कह देना बहुत आसान है। जो ये सीधा सवाल है इससे, एक सेकेंड, जो ये सीधा सवाल है इससे क्या असर पड़ेगा उसके लिए ये बात समझ लीजिए कि 370 और 35 ए से होता क्या था। आपको वहां पे सोशल जस्टिस नहीं कर सकते थे, किसी को आरक्षण नहीं दे सकते थे, क्योंकि 370 और 35 ए था। आप वहां पे महिला को कोई अधिकार नहीं दे सकते थे। प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस राइट पूरे देश में महिला का है, पर वहां की महिला अगर बाहर शादी करती है तो उसको भी अधिकार नहीं है, उसके बच्चे को भी अधिकार नहीं है। ये चीजें जो लॉ लाती है पूरे देश में, वो 370 और 35 से वहां नहीं लाने दे रहे थे, वहां के लोगों को डेवलपमेंट नहीं करने दे रहे थे। बेसिक ह्यूमन राइट है आज की डेट में किसी महिला के, वो भी वहां पे नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि ये था। दूसरा, जो लोग वहां पे 70-80 साल से रह रहे हैं उनको परमानेंट रेजिडेंट नहीं बनाया जा रहा था, उनको वहां पे प्रॉपर्टी खरीदने का राइट नहीं हो रहा था। तो ये सारी चीजें 370 और 35 ए कर रहा था।